अब अगला सवाल। सर, मेरा किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, जिसके वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं इन विचारों से कैसे छुटकारा पाऊँ, या फिर ऐसा कोई मेडिटेशन बताइए जिससे कि मैं विचार शून्य हो जाऊं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। आपका कृपा भिलासी, विकास गुप्ता। आमतौर पर इस तरह के प्रॉब्लम कई सारे लोगों के हैं। कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो जीवन में कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही अहम चीज है, बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हम बिना कॉन्सेंट्रेशन के लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। पढ़ाई करनी है तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, खाना बनाना है तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, क्रिकेट खेलना है तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, नेमबाजी करनी है तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, बिजनेस में कहीं सक्सेस पाना है तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, जॉब भी पानी है, काम अच्छी तरीके से कोई भी करना है तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, चित्र अच्छा बनाना है तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, एक मूर्ति अच्छी बनानी है तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। यानी कि लाइफ के हर हिस्से में, हर जगह पर हमें कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है। जिस काम में जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वो उतना ही अच्छी तरीके से हो पाता है या अच्छी तरह से हो जाता है, और जितना कम कॉन्सेंट्रेशन, जितना लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उतना ही वो काम खराब होता है। यानी समझ लीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन हमारे जीवन में बहुत जरूरी चीज है। जब किसी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो उसका किसी काम में मन नहीं लगता है। जब किसी काम में मन ही नहीं लगेगा तो कोई भी काम वो अच्छी तरह से कर नहीं पाएगा और ना ही अच्छी तरह से वो काम होगा। डिप्रेशन, नेगेटिविटी का, डिप्रेशन का, नकारात्मक विचारों का पहला साइन है, और इसके साथ ही वो इंसान चीजें भूलना शुरू हो जाता है, यानी उसे याद नहीं रहता है। कई सारी अहम चीजें उसे समय पर याद नहीं आती। इसका मतलब सीधा और सरल है कि आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। जिस तरह से आपका जीवन होना चाहिए, जिस तरह से जीवन जीना चाहिए, उस तरह से आप जीवन को नहीं जी रहे हैं। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ है तो आपको जरूरत है उपचार की, काउंसलिंग और सम्मोहन उपचार, हिप्नोथेरेपी की, और इस प्रॉब्लम को गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम सही समय पर इस प्रॉब्लम का इलाज नहीं करेंगे तो आगे जाके हमें बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब चलिए, हम समझते हैं कि प्रॉब्लम आखिर में है क्या। अब इन्होंने जो सवाल किया है इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखता हूं। इनका पहला प्रॉब्लम क्या है? कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, यानी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा प्रॉब्लम इन्होंने क्या कहा है कि दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, ठीक है। अब तीसरा प्रॉब्लम, वो विचारों से परेशान है, यानी उनके मन में जो विचार आ रहे हैं उन विचारों से वो क्या है, परेशान है।
अब तीसरी बात वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह के अनचाहे विचारों को जो उनके मन में विचार आ रहे हैं उनको कैसे रोको, यानी वो चाहते हैं विचारों को रोकना, वो विचारों को रोकना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आगे का जो पॉइंट है वो कहते हैं कि मुझे विचार शून्य हो जाना है, इसके लिए कोई उपाय है, कोई मेडिटेशन है तो बताइए। अब इनमें से हम हर एक बात को गहराई से देखेंगे कि आखिर होता क्या है। अब इसके लिए मैं आपको सेठ परेशान जी की एक कहानी बताता हूँ। सेठ परेशान जी का ऑफिस है मुंबई में, और एक दिन सुबह सुबह उन्हें उनके पुणे के ऑफिस से कॉल आ जाता है कि कुछ अर्जेंट काम है। एक क्लाइंट आया है, वो 20 करोड़ की डील करना चाहता है, और इसके लिए वो क्लाइंट उनके पुणे के ऑफिस में सेठ परेशान जी को मिलना चाहता है। अब जैसे ही उन्हें ये खबर मिली, क्योंकि 20 करोड़ की डील थी और बहुत अच्छी खबर थी, सेठ परेशान जी खुश हो गए और उन्होंने अपना ड्राइवर जिसका नाम है भागोजीरा उसको अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि गाड़ी निकालो, हमें अर्जेंट में जाना है पुणे। अब बॉम्बे से पुणे एक्सप्रेस हाईवे से 2 घंटे का रास्ता है, सुबह के 8 बजे थे, और सेठ परेशान जी ने सोचा कि 10 बजे तक वो पहुंच जाएंगे। ड्राइवर आया, गाड़ी निकाली, सेठ परेशान जी गाड़ी में बैठ गए। अब भागोजीरा जो उनका ड्राइवर है उसने गाड़ी स्टार्ट की और पुणे की तरफ निकल दी। अभी सेठ परेशान जी ने सोचा कि पुणे के लिए बहुत टाइम है, 2 घंटे है, चलो तब तक आराम करता हूं। तो सेठ परेशान जी गाड़ी में ही सो गए। कुछ देर बाद उनकी आंख खुल गई, आंख खुल गई और देखा तो गाड़ी एक जगह पे खड़ी है। तो सेठ परेशान जाग गए और देखा ड्राइवर नहीं है गाड़ी में, गाड़ी रास्ते के साइड में खड़ी है। तो विंडो से बाहर देखा तो ड्राइवर गाड़ी साफ कर रहा था। सेठ परेशान जी ने बागोजी राव को बुलाया और कहा कि ये क्या कर रहे हो। तो बागोजी राव बोलते हैं कि गाड़ी बहुत खराब हो गई थी इसलिए साफ कर रहा हूं। अब सेठ परेशान जी तो गुस्सा हो गए उसके ऊपर, ये क्या कर रहे हो, हमें अर्जेंट जाना है पुणे में और ये क्या समय है गाड़ी साफ करने का। तो बागोजी राव कहते कि गाड़ी बहुत खराब हो गई थी, मेरा ध्यान गया अभी और इसीलिए साफ कर रहा था। तो सेठ परेशान जी ने कहा कि आ जाओ गाड़ी में बैठो, पहले गाड़ी लेके चलो, कब क्या करना चाहिए वो भी समझता नहीं है तुम्हें। तो भागोजी राव ने कहा यस सर, चलो मैं निकलता हूं। अब गाड़ी वापस निकली है पुणे की तरफ। थोड़ी देर में सेठ परेशान जी की आंख लग गई और कुछ देर बाद आंख खुल गई, देखा कि गाड़ी तो रास्ते के साइड में खड़ी है और ड्राइवर अंदर नहीं है। तो गाड़ी से बाहर आके देखा तो ड्राइवर गाड़ी के बाहर खड़ा है। तो भागोजी राव पे सेठ परेशान जी चिल्लाए, ये क्या कर रहे हो, यहां खड़ा होके क्या कर रहे हो। तो भागोजी राव कहते हैं सेठ जी ये देखिए बाहर कितना अच्छा नेचर है, ये घाटी, ये बड़े बड़े पेड़, पक्षी, इतना अच्छा नजारा है, मैं उसे देख रहा हूं, आप भी देखिए। सेठ परेशान जी तो परेशान हो गए, बोलते बुद्धू तुम्हें कुछ समझता नहीं है, हमें अर्जेंट जाना है पुणे में और तुम ये नेचर देख रहा है, अभी समय है क्या नेचर देखने का, चलो बैठ जाओ गाड़ी में। तो भागोजी राव वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी चालू करते हैं और गाड़ी निकलती है पुणे की तरफ। थोड़ी देर में ही वापस
से परेशान की आंख लग जाती है। कुछ देर में सर परेशान जी जब आंख खोल के देखते हैं तो गाड़ी रास्ते के साइड में खड़ी है और ड्राइवर रुका हुआ है। तो सर परेशान जी उसको पूछते हैं, क्या हुआ, तुम गाड़ी क्यों खड़ी करके रखी है? तो भागोजी राव बोलता है कि आगे पुलिस वाले हैं इसीलिए रुका हूं। पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? नहीं, वो लाइसेंस मांगेंगे। तो क्या तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है? नहीं है ना, लाइसेंस है। फिर गाड़ी रोकी क्यों? नहीं, वो लाइसेंस मांगेंगे, फिर उसके लिए गाड़ी रोकनी पड़ेगी, फिर हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं उनको जाने की राह देख रहा हूं। शेर बोलते हैं कि पागल, तू गाड़ी स्टार्ट कर और निकल, यहां पे टाइम जो रुका है ये टाइम नहीं बर्बाद हो रहा है क्या? तो वहां से आगे गए, पुलिस ने उनकी गाड़ी नहीं रोकी, बेवजह से उनका वहीं पे भी टाइम बर्बाद हो गया। वो वापस आगे निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वापस सेठ परेशान जी की आंखें बंद हो जाती है, नींद आ जाती है। जब वो थोड़ी देर में आंखें खोलते हैं तो वापस गाड़ी एक जगह पे खड़ी है। तो सेठ परेशान जी कहते हैं, क्या हुआ भाई, क्या प्रॉब्लम है, अब क्यों गाड़ी रोकी? तो भागोजी राव कहते हैं, नहीं, गाड़ी ठंडे होने के लिए रोकी है मैंने। क्यों, गाड़ी गर्म हो गई है क्या? नहीं, गर्म तो नहीं हुई। फिर रोकी क्यों? नहीं, अगर हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो गर्म तो हो जाएगी ना, इसीलिए मैंने ठंडी होने के लिए गाड़ी खड़ी कर दी। अरे लेकिन गाड़ी गर्म हुई ही नहीं, अभी हुई नहीं, लेकिन बाद में हो सकती है ना, और जब होगी तब देखेंगे ना, अभी गाड़ी रोकी क्यों? तो चल गाड़ी स्टार्ट कर, निकल। वापस भागोजी राव ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, गाड़ी निकली पुना की तरह। अब थोड़ी देर बाद सेठ की आंख लग गई और कुछ देर में आंख खुल गई तो वो पुना के उनके ऑफिस के सामने पहुंच गए थे, और घड़ी में देखा तो शाम के 5 बज गए थे, और जिस क्लाइंट के साथ सेठ की मीटिंग थी वो क्लाइंट चला गया था, यानी 20 करोड़ का नुकसान। किसके वजह से? सेठ परेशान का ड्राइवर भागोजी राव के वजह से। अगर वो सही तरीके से गाड़ी चलाता तो वो सही टाइम पे भी पहुंच जाते और उनका काम भी हो जाता, लेकिन भागोजी राव ने अपना काम अच्छी तरह से किया नहीं। जब भी सेठ की नजर हट जाती थी वो अपना काम छोड़ के कुछ और ही काम करने में जुट जाता था। अब ये जो कहानी है सेठ परेशान जी है वो है आप, और ये जो ड्राइवर है भागोजी राव ये है आपका मन, आपके मन में आने वाले विचार। अब होता क्या है, आप चाहते कुछ और हो और आपका मन करता कुछ और है। आपको जाना है पुना, लेकिन आपका मन यानी भागोजी राव कहीं और ही चला जाता है, कुछ और ही काम में लग जाता है। जब जब सेठ की आंखें बंद हो गई, जब जब परेशान सेठ का ध्यान हट गया भागोजी राव के ऊपर से, तब तक भागोजी राव यानी आपका मन भाग गया, और जब जब सेठ परेशान का ध्यान भागोजी राव पे चला गया यानी मन पे चला गया, तो वापस उसने मन को बुला लिया और अपने काम पे लगा दिया। अब ये भागोजी राव जाता कहां है? जैसे ही भागोजी राव के ऊपर से आपका ध्यान हट गया तो ये जो दिखाई देगा ये उसी काम में लग जाता है, उसे ही देखने लग जाता है।
कितना अच्छा नेचर है, नेचर को देखने लग गया, भूल गया कि पुणे जाना है। गाड़ी पे खराबी दिखाई दी, भूल गया पुणे जाना है, गाड़ी खड़ी करके गाड़ी साफ करने लग गया। यानी उसे इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता है। अब अगर ध्यान हटाने वाली कोई चीज नहीं मिली तो खुद ही सोचने लग जाता है कि आगे कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उससे परेशानी आ जाएगी, ऐसा सोच के खुद ही गाड़ी रोक देता है। और जब आपका ध्यान इस भागवती राव पे जाएगा तो आपको पता चल जाता है कि बेवजह से परेशानियों के बारे में सोच रहा है। फिर वापस उसको आप बताते हो और ये काम पे लग जाता है। मतलब ये है कि आपका मन भागोजी राव, इसकी आदत है भागने की। जब भी आपका ध्यान इसके ऊपर से हट जाएगा, समझ लेना ये भाग जाएगा। ये या तो फ्यूचर में जाएगा, डरावनी डरावनी या अच्छी वाली कोई भी कल्पनाएं करना शुरू कर देगा और उसमें खो जाएगा, या फिर पास्ट में जाएगा और ऐसा क्यों हुआ इसके ऊपर सोचते बैठेगा। अगर पास्ट में भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं, तो प्रेजेंट में किस कहीं पे ध्यान चला गया, काम छोड़ के उसके बारे में सोचता रहेगा या देखता रहेगा। यानी ये जो कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम है, सेपरेशन का जो प्रॉब्लम है, ये है भागोजी राव। क्योंकि भागोजी राव बार बार भागता है, जैसे ही नजर हट जाती है भागोजी राव भाग जाता है। लेकिन ये तो भागोजी राव का नेचर है भाग जाना। अब इसमें जो मेन प्रॉब्लम है कॉन्सेंट्रेशन, यानी किसी कोई काम जब अच्छा नहीं होता है, ध्यान नहीं लगता है उस काम में, इसका मतलब है आपका मन, आपका ड्राइवर भागोजी राव भाग रहा है। अब इसमें गलती किसकी है, भागोजी राव की या सेठ परेशान की? सेठ परेशान की गलती है, क्योंकि भागोजी राव का नेचर ही भागना है। वो भागता ही रहेगा, जब भी उसको मौका मिलेगा वो भागेगा जरूर। अब ऐसे समय में आपका काम है उसके ऊपर ध्यान रखना। ध्यान रखेंगे तो वो भागेगा नहीं, अपने काम पे रहेगा, यानी काम में आपका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है टूटता क्यों है, हटता क्यों है? अब उन्होंने जो आगे सवाल किया है कि दिमाग में कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं। अब दिमाग है तो इसमें विचार तो आएंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में कंटिन्यू थॉट्स चालू रहते हैं, ब्रेन वेव्स। ये जो ब्रेन वेव्स है, ये ब्रेन वेव्स ही हमारे विचार है, ठीक है? यहां तक कि हमारे सोने के बाद में ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सपने के रूप में, सपनों के जरिए कुछ ना कुछ विचार चालू ही रहते हैं, ठीक है? मतलब विचार आ रहे हैं तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं, विचार है, आप जिंदा है तो विचार तो आएंगे, विचार आने चाहिए, बिना विचार के कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि हर एक्शन के पीछे, हर कृति के पीछे एक विचार होता है, बिना विचार के कोई कुछ नहीं कर सकता, ना करता है। आप जिंदा हो, इंसान हो, विचार तो आएंगे। क्या आपको एक ऐसा ब्रेन चाहिए जिसमें कुछ भी विचार ना आए? तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। आगे तो उन्होंने कहा है कि मैं इन विचारों से छुटकारा चाहता हूं। जब विचार जरूरी है, आने चाहिए, तो फिर छुटकारा क्यों चाहिए? विचार अनमोल होते हैं, भले वो दो तरीके के हो, पॉजिटिव और निगेटिव।
लेकिन अनमोल विचार होते हैं। जीवन के लिए विचार जरूरी होते हैं। अगर आपके ब्रेन में से आपके विचार निकाल दिए जाए तो आप एक जिंदा लाश बने रहोगे। जैसे कि कुछ लोग कोमा में जाते हैं, उस तरह की आपकी हालत हो जाएगी। ना सुख ना दुख और ना कोई विचार, एकदम फ्री। क्या ऐसा आप होना चाहते हो? नहीं, यानी विचारों को रोकने की जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि इन विचारों को रोकने के लिए विचार शून्य अवस्था चाहिए। जब तक आपके मन में विचार शून्य होने का विचार चल रहा है, तब तक आपको विचार शून्य अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। फिर से एक बार ध्यान देके सुनिए। जब तक आपके मन में विचार शून्य होने का विचार चल रहा है, तब तक आपको विचार शून्य अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि विचार शून्य होना भी एक विचार है। आप अपने मन में ही सोचते रहेंगे, विचार शून्य होना है, विचार शून्य होना है, कब होगा, अब तो होगा, यानी ये विचार चलते रहेंगे, विचार शून्य होगा नहीं। असल बात तो यह है कि इस तरह की कोई अवस्था नहीं होती और ना ही इस तरह की कोई अवस्था हमें मिल सकती है। और जिस अवस्था को लोग विचार शून्य अवस्था कहते हैं, वो विचार शून्य अवस्था नहीं है, वो फुल कॉन्सेंट्रेशन की अवस्था है। फुल कॉन्सेंट्रेशन यानी फुल्ली फोकस्ड स्टेट, किसी एक जगह पे फुल फोकस हो जाना। जैसे बचपन में मैंने कहानी सुनी थी, एक लोहार था और एक लोहा गरम करके उसके ऊपर हथौड़ी से मार रहा था। वो चाहता था कि उसका कोई औजार बनाए। उस वक्त बाजू से एक शादी की बारात जा रही थी। थोड़ी देर में उस लोहार को एक आदमी ने पूछा कि ये किसकी शादी की बारात गई। तो लोहार बोलता है कि कौन सी बारात, कहां से गई, मुझे कुछ पता नहीं है। यानी वो अपने काम में इतना फुल्ली फोकस्ड था कि उसे आजू बाजू में क्या हो रहा है पता ही नहीं था। यानी मेडिटेशन में या किसी भी चीज में, काम में फुल्ली फोकस स्टेट जब मिलती है, तब हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार होता है और तब हमें आजू बाजू में हमारे चारों तरफ कुछ हो रहा है कुछ भी पता नहीं होता है, फुल्ली एक जगह पे फोकस होते हैं। अब इस अवस्था को कुछ लोग गलत तरह से समझ बैठे हैं, विचार शून्य अवस्था। विचार शून्य अवस्था नहीं है ये, ये है फुल्ली फोकस्ड स्टेट। इस बात को याद रखना, क्योंकि अगर आप ये सोच के मेडिटेशन करने बैठेंगे कि मुझे विचार शून्य अवस्था चाहिए, तो फिर मेरी एक बात याद रखिए, लिख के रखिए कि ये अवस्था आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि आप जिंदा हो, और ये आपका गोल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, वो विचार ज्यादातर नेगेटिव है, जिसके वजह से आपका फोकस उस तरफ जाता है, उन नेगेटिव विचारों के तरफ। और ये नेगेटिव विचार जो होते हैं ना, ये अनचाहा डर हमारे मन में पैदा करते हैं। यानी जो नहीं होने वाला है, जो नहीं हुआ है, वो होगा करके दिखाते हैं और डर पैदा करते हैं।
अरे फ्यूचर का डर, क्या होगा मेरा, कुछ होगा कि नहीं, मेरे जॉब का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, या फिर पास्ट में चले जाएंगे, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, उसे सोचते बैठे और दुखी हो जाएंगे। अब ये दोनों भी चीजें नहीं है तो प्रेजेंट में कुछ तो ऐसे विचार सोचते बैठेंगे कि जो जरूरी नहीं है, बेवजह से उधर जाके अटक के बैठे हैं। यानी अब जरूरी क्या है, जरूरी है फिल्टर करना, यानी जो विचार चाहिए उसे आने दो, जो जीवन के लिए जरूरी है उस विचार को आने दो, और जो जरूरी नहीं है, जो निगेटिव है, उसे तुरंत क्या करो, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, अच्छे विचार में कन्वर्ट कर दो। और इसके लिए आपको क्या, किस चीज की जरूरत है, आपको जरूरत है उस भागोजी राव पे नजर रखने की, ताकि वो भागेगा नहीं। हर काम के लिए एक अलग अलग प्रोसेस होती है, बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम है तो इसके लिए भी एक अलग तरह की मेडिटेशन की प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपका प्रॉब्लम कोई भी हो और एक ही तरह का मेडिटेशन आपको काम में आएगा, ऐसा नहीं है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको सिंपल मेडिटेशन बताता हूं। एक कंफर्टेबल चेयर पे बैठ जाना है, अकेले रूम में जहां पे कोई ना हो, जहां पे आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। अपनी आंखें बंद करनी है, अपने नाक से लंबी सांस लेनी है, थोड़ी देर के लिए उसे रोकना है, और फिर धीरे धीरे अपने मुंह से छोड़ना है। और इस तरह से आपको 21 टाइम्स 21 बार सांस लेनी है। अब इसके बाद बस शांति से बैठ जाना है, नॉर्मल तरीके से सांस लेनी है, क्योंकि जो पहले मैंने आपको बताया कि 21 बार सांस लेनी, उससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़ों से आपके ब्लड में चला जाता है, ब्लड से आपको ब्रेन में चला जाता है। जब ब्रेन को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है तो उसे तरोताजा फ्रेश महसूस होता है, जो कि हमें ट्रांस स्टेट में समाधि अवस्था में पहुंचने के लिए बहुत अच्छी और जरूरी चीज है। अब उसके बाद नॉर्मल तरीके से सांस लेनी है, सांसों से ध्यान हटाना है और सिर्फ शांत बैठना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। आपके मन में विचार आने शुरू होंगे, अब उन विचारों पे, अरे भागोजी राव पे आपको ध्यान रखना है कि वो कर क्या रहा है, अच्छा काम कर रहा है, करने दो, कहीं और भटक रहा है पास्ट में फ्यूचर में, उसको पकड़ के लेके आओ। यानी निगेटिव सोचने मत दो, उसको पकड़ के लेके आओ, पॉजिटिव सोचने के काम पे लगा दो। और ऐसा कितने देर के लिए करना है, जितना आपका एज है उतने मिनट तक करना है। यानी 40 साल का एज है आपको तो 40 मिनट करना है, आपकी एज अगर 20 साल की है तो आपको 20 मिनट करना है। और ऐसा कितने दिन तक करना है, 21 डेज तक। इससे क्या होता है कि कोई भी काम, कोई भी चीज अगर आप 21 डेज तक लगातार करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक आदत हो जाती है, यानी भागोजी राव की भागने की आदत छूट जाएगी। और वो इसीलिए छूट जाएगी क्योंकि
उसके ऊपर ध्यान रखने की आपको आदत लग जाएगी। और जाहिर है अगर आपको हर वक्त उसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे तो भागेगा नहीं, वही काम करेगा जो आप चाहते हैं, जो आप बताते हैं। इसलिए 21 डेज तक आपको इसको कंटिन्यू करना है। लेकिन इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है, अगर ये आप शुरू करते हैं तो फिर लगातार 21 डेज तक करना ही है, नो एक्सक्यूज, बीच में बंद नहीं करना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है बंद करना है तो फिर इसे शुरू ही मत करना, क्योंकि अगर आप ये धरपकड़ करेंगे, छोड़ना शुरू करना अगर करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये भी आदत लग जाती है। फिर उसके बाद अगर आप कंटिन्यू 21 डेज तक भी करेंगे तो भी ये मेडिटेशन आपको काम नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर करना है तो कंटिन्यू 21 डेज तक, बीच में गैप नहीं लेना है। अगर आपको नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप 21 डेज तक कंटिन्यू कर सकते, तो फिर शुरू ही मत करो, ठीक है। अब अगर किसी को यह लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो उसके लिए हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है। स्क्रीन पे हमारा एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पे आप हमारे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर ये चीज आपको पॉसिबल नहीं है, बॉम्बे आना पॉसिबल नहीं, कुछ लोग बॉम्बे के बाहर रहते हैं, बाहर के स्टेट में रहते हैं, तो कुछ लोगों को यहाँ पे बॉम्बे में आना पॉसिबल नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए वीडियो, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हमें फोन कीजिए, हमारा एड्रेस दिया है, फोन नंबर दिए हैं, कॉल कीजिए, आपकी हर तरह की सहायता की जाएगी। आपके लाइफ में चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आपकी हेल्प हम जरूर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।